हमारे यहाँ गांव सुमैण में मुहिमा चलाई है पर्यावरण को बचाना। हमारा लक्ष्य है कि पूरा डिस्ट्रिक्ट में फतेहवाज में हर गांव में 1,000 पौधे लगाएंगे। एक हमने युवा टीम तैयार की है, हैं हर गांव में जा जा के पौधे लगाएंगे। क्या कारण है पौधे लगाने का? पर्यावरण को बचाने, आने वाला इसको वातावरण के भविष्य के लिए वातावरण को शुद्ध करने के लिए जगह जगह पौधे लगाना, आने वाली नस्ल को बचाना। लोगों का किस प्रकार सहयोग? बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है हमारे यहाँ गांव में, बड़े से लेके बुजुर्ग तक सारा हमारा सहयोग दे रहे हैं हर चीज में। क्या अपील करोगे और ग्रामीणों से, लोगों से? हर गांव में जा जा के सभी से अपील करेंगे, हमारा साथ दो, हमारे साथ चलो, ताकि हम इसको पर्यावरण को बचा सके, पौधे लगवाओ ज्यादा से ज्यादा। कितने पौधे लगा चुके अभी तक? अभी तक हम 1,000 पौधे लगा चुके हैं इस महीने में। हाँ जी डॉक्टर साहब, क्या बताएंगे जो पौधारोपण अभियान अपना शुरू कर रखे, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, हम सभी को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाया है, ताकि आने वाली हमारी पीढ़ियां हैं सही तरह से सांस ले सके। आज के समय में पेड़ों की कटाई तो बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन उनको लगाने की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। इसी के लिए हमने मुहिम चलाई है कि प्रत्येक गांव में जाकर उनको जागरूक करें और उनको पौधे दें, ताकि प्रत्येक गाँव में 1,000-1,500 के बीच में पौधे लगाए जा सके और अपने आने वाली नस्ल को हम सुरक्षित रख सकें। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम चेला राव भाई। क्या बताओगे इसके बारे में जो पौधारोपण किया जाने लग रहा है? ये तो बहुत बढ़िया काम है जी। पर्यावरण अपने मौसम को, अपने वातावरण को शुद्ध करने के लिए और लकड़ी का जितनी कमी हो रही है देश में दुनिया में, तो उसको पूरा करने के लिए, ऑक्सीजन जो कमी हो रही है उसको पूरा करने के लिए, तो हम सही सभी युवा से अनुरोध करते हैं कृपा भाई ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगा रहे हैं। हमारे यहाँ गांव सुमैण में मुहिमा चलाई है पर्यावरण को बचाना। हमारा लक्ष्य है कि पूरा डिस्ट्रिक्ट में फतेहवाज में हर गांव में 1,000 पौधे लगाएंगे। एक हमने युवा टीम तैयार की है, हैं हर गांव में जा जा के पौधे लगाएंगे। क्या कारण है पौधे लगाने का? पर्यावरण को बचाने, आने वाला इसको वातावरण के भविष्य के लिए वातावरण को शुद्ध करने के लिए जगह जगह पौधे लगाना, आने वाली नस्ल को बचाना। लोगों का किस प्रकार सहयोग? बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है हमारे यहाँ गांव में, बड़े से लेके बुजुर्ग तक सारा हमारा सहयोग दे रहे हैं हर चीज में। क्या अपील करोगे और ग्रामीणों से, लोगों से? हर गांव में जा जा के सभी से अपील करेंगे, हमारा साथ दो, हमारे साथ चलो, ताकि हम इसको पर्यावरण को बचा सके, पौधे लगवाओ ज्यादा से ज्यादा। कितने पौधे लगा चुके अभी तक? अभी तक हम 1,000 पौधे लगा चुके हैं इस महीने में। हाँ जी डॉक्टर साहब, क्या बताएंगे जो पौधारोपण अभियान अपना शुरू कर रखे, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, हम सभी को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाया है, ताकि आने वाली हमारी पीढ़ियां हैं सही तरह से सांस ले सके। आज के समय में पेड़ों की कटाई तो बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन उनको लगाने की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। इसी के लिए हमने मुहिम चलाई है कि प्रत्येक गांव में जाकर उनको जागरूक करें और उनको पौधे दें, ताकि प्रत्येक गाँव में 1,000-1,500 के बीच में पौधे लगाए जा सके और अपने आने वाली नस्ल को हम सुरक्षित रख सकें। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम चेला राव भाई। क्या बताओगे इसके बारे में जो पौधारोपण किया जाने लग रहा है? ये तो बहुत बढ़िया काम है जी। पर्यावरण अपने मौसम को, अपने वातावरण को शुद्ध करने के लिए और लकड़ी का जितनी कमी हो रही है देश में दुनिया में, तो उसको पूरा करने के लिए, ऑक्सीजन जो कमी हो रही है उसको पूरा करने के लिए, तो हम सही सभी युवा से अनुरोध करते हैं कृपा भाई ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगा रहे हैं।